नमस्कार मित्रों, नेचर दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गिद्ध या वल्चर के बारे में जानकारी जुटा के लाए हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। गिद्ध आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला विशाल शिकारी पक्षी है। कुछ सालों पहले तक गिद्ध बहुतायत पाए जाते थे, लेकिन कुछ समय से यह कम हो रहे हैं। पहले यह गाँवों में और जंगलों में आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अब ये कभी कभार ही नजर आते हैं। पिछले एक दशक के दौरान भारत, नेपाल और पाकिस्तान में उनकी तादाद में 95% तक की कमी आई है और ऐसे ही रुझान पूरे अफ्रीका में देखे गए हैं। गिद्ध पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं। गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए जाना जाता है। इनका रंग काला और कत्थई होता है। इनके सूंघने और देखने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये करीब 1 किलोमीटर ऊपर से मरे हुए जानवर की गंध सूंघ लेते हैं और उसे देख लेते हैं। इनकी चोंच टेढ़ी और थोड़ी लंबी होती है तथा बहुत मजबूत भी होती है। इनके पंजे चोंच की तुलना में कम मजबूत होते हैं। इनके पंख बड़े और पूंछ छोटी होती हैं। गिद्ध अपने भोजन के लिए काफ़ी अधिक दूरी तय कर सकते हैं। गिद्ध भोजन की तलाश में एक बड़े इलाके पर नज़र डालने के लिए अक्सर ऊंची उड़ान भरते हैं। ये सही है कि गिद्धों को सड़ा हुआ मांस और मृत पशुओं को खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन सभी गिद्ध केवल सड़ा हुआ मांस नहीं खाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, पाम नट वल्चर गिद्ध कई तरह के अखरोट, अंजीर, मछली और कभी कभी पक्षियों को भी खाता है। कंकालों के मुकाबले इसे कीड़े और ताज़ा मांस पसंद है। गिद्धों के पेट का अमल इतना शक्तिशाली होता है कि वो हैजे और एंथ्रेक्स के जीवाणुओं को भी नष्ट कर सकता है, जबकि दूसरी कई प्रजातियां इन जीवाणुओं के प्रहार से मर सकती हैं। गिद्ध अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं। गिद्ध अंडे देते हैं। इनका अंडा सफ़ेद मटमैला और धब्बेदार होता है। मादा गिद्ध साल में 2 अंडे देती है। ये अंडे मुर्गी के अंडे से थोड़े बड़े होते हैं। नर और मादा दोनों अपने इन अंडों की रक्षा करते हैं। गिद्ध का बच्चा 6 माह तक घोंसले में ही रहता है। जब तक कह उड़ने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक उसकी देखभाल उसके नर और मादा करते हैं। एक गिद्ध 5 साल की आयु में प्रजनन करता है। भारतीय गिद्ध की आयु 30 से 35 साल होती है। गिद्ध के सर पर बाल नहीं होते हैं, क्योंकि जब गिद्ध मरे हुए जानवर को खाते हैं तो जीवाणु उसकी गर्दन पर चिपकते हैं। नंगी गर्दन होने से उनके शरीर का तापमान भी संतुलित रहता है। गिद्ध जब मॉस खाते हैं तब उनके पांव से कई बैक्टीरिया लग जाते हैं। गिद्ध इनको हटाने के लिए अपने पांव पर पेशाब करता है। इनके पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। आज यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। सरकार ने इसको लाल सूची में डाल दिया है। संरक्षण के उपाय शुरू कर दिए हैं। इस पक्षी को मारना कानूनन अपराध माना गया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।